हेलो व्यूअर्स, ऋषि स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी डिश है वो है एक बंगाली स्वीट जिसे हम रसमलाई के नाम से जानते हैं। इसे आप अक्सर हलवाई से खरीद कर खाते होंगे, लेकिन अब आप इसे घर पर बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में एग्जैक्ट मेजरमेंट्स और ट्रिक्स भी शेयर की है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है जिसे मैंने उबालने रख दिया है। मैंने यहाँ पर गाय के दूध का इस्तेमाल किया है। इस दूध को आपको एक उबाल आने तक उबालना है। तो जैसे ही इसमें उबाल आता है आपको गैस बंद करनी है और इसे इस तरह से साइड कर लेना है। इस दूध में से हमें पनीर बनाना है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर विनेगर और वाटर का एक मिक्सचर तैयार किया है जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून विनेगर और 3 टेबलस्पून पानी ऐड किया है। आप चाहें तो नींबू के इस्तेमाल से भी इसका पनीर बना सकते हैं। तो आपको इस मिक्सचर को 2-2 चम्मच करके ऐड करना है और इसे धीरे धीरे मिला लेना है। धीरे धीरे करके इस दूध में से पनीर बनेगा। नींबू का इस्तेमाल मैंने इसीलिए नहीं किया है क्योंकि नींबू का स्वाद निकलता नहीं है जल्दी से, तो वो रस मलाई में आ जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल करके इसका पनीर बनाया है। इसे मैंने वापस थोड़ा सा हीट होने रखा है ताकि जो मेरा पनीर है वो परफेक्टली अलग होके साइड में आ जाए। ये देखिए आप, तो अभी इसमें से पानी अलग हो गया है और जो पनीर है वो अलग हो गया है, तो हम इसका गैस बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये पनीर को अलग कर लिया है और जो इसमें से पानी बचा था उसे भी अलग कर लिया है। आप चाहें तो इस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। आपको इस पनीर को एक कपड़े में अलग से ले लेना है। मैंने यहाँ पर मसलिन क्लॉथ लिया है। इसे आप ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसमें से जो विनेगर का एसेंस है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। वॉश कर लेने के बाद आपको इसमें से पूरा एक्स्ट्रा वाटर निकाल लेना है। तो आपको इस तरह से इसका जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो हल्के हाथों से ही आपको प्रेस करके निकालना है और इसे आप 2 घंटे के लिए इस तरह से लटकने रख दें। उसके बाद यहाँ पर मैंने 0.5 लीटर दूध लिया है जिसे हम 30% तक रिड्यूस करेंगे। तो जो रसमलाई की मलाई है वो हम इस तरह से बनाएंगे कि इसमें से सिर्फ 30% ही रिड्यूस करके हम रखेंगे फॉर द मलाई। तो आप इसे मीडियम टू हाई हीट पे उबालते रहें और कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि दूध चिपके ना नीचे बर्तन के। इसको येलो कलर देने के लिए मैंने यहाँ पर हल्दी और पानी का एक मिक्सचर बना लिया था जिसे मैंने बॉइलिंग मिल्क में ऐड किया है। इसे आप कंटिन्यूसली चलाते रहें और इसे 30% तक रिड्यूस हो जाने के बाद आपको इसको फ्लेम से नीचे उतार लेना है। बीच में ही आपको इसमें 1/4 कप शक्कर ऐड कर लेना है। शक्कर की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। शक्कर को मेल्ट होने देने के लिए आपको फ्लेम ऑन रखना रहेगा जब तक शक्कर अच्छे से इसमें से घुल नहीं जाती। तो ये मैंने मलाई को ठंडा होने रख दिया है। अब एक बर्तन में मैंने यहाँ पर 125 ग्राम शक्कर और लगभग 750 ml पानी लिया है। तो इस चाशनी में ही हमें रसमलाई को अच्छे से उबालना है। इसका प्रपोर्शन 1:6 है, यानी 1 कप शक्कर के साथ 6 कप पानी। आप इसके प्रपोर्शन में चेंजेस मत कीजिएगा क्योंकि ये जो रेसिपी है वो इस प्रपोर्शन के साथ ही बेस्ट निखर के आएगी। तो अब एक बार मैंने इसे जस्ट मिक्स कर लिया है और इसे ढककर मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है।
जब तक हमारी शक्कर मेल्ट होती है तब तक हम उस पनीर को अच्छे से गूंथ लेंगे। तो आपको आपके हाथों से इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक इस तरह से आपको इसका आटा बनाते रहना है। 15 से 20 मिनट के बाद इसमें से घी भी सेपरेट होने लग जाएगा, तो आपको आपके हाथों पे वो घी भी नजर आने लगेगा। तो लगभग 10 मिनट से मैं इसे गूंथ रही थी, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से जुड़ गया है आपस में। आपको घी भी नजर आएगा मेरे हाथों पे। 10 मिनट के बाद मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच सूजी का ऐड कर लिया था, और अब सूजी के साथ आपको इसे गूंथना है। तो ये देखिए हमारा आटा बनकर तैयार है, घी भी पूरी तरह से मेरे हाथों पर आ चुका है। इसका मतलब है कि ये परफेक्टली तैयार है। अब इसमें से आपको छोटे छोटे बॉल्स इस तरह से अलग कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर बहुत छोटे बॉल्स लिए हैं, आप चाहें तो थोड़े बड़े भी ले सकते हैं। इन्हें बहुत सॉफ्टली प्रेस करना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि इसके साइड्स फटे हुए ना हों। अगर आपको लग रहा है कि थोड़े फटे हुए हैं तो वापस उसे आप गोल बना दें और वापस उसे आप इस तरह से प्रेस करें। ये देखिए वापस मैंने इसे गोल बनाकर प्रेस किया एंड इट इज रेडी। तो इस तरह से आपको बाकी के सारे गोले भी बनाने हैं। ये शुगर सिरप में जाने के बाद भी काफी फूलती हैं, इसीलिए मैंने इसे छोटा ही रखा है, लेकिन अगर आपको बड़ी खानी पसंद हो तो आप उस हिसाब से उसे शेप दे सकते हैं। अक्सर ये गोल आकार में ही होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे गोल ही रखा है। आप चाहें तो इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सेकंड भी तैयार है, एंड सेम वे मैंने बाकी के भी तैयार कर लिए थे। अब इन्हें इस शुगर सिरप में ऐड करना है, इन्हें शुगर सिरप में पकाना है। ध्यान रखिएगा आप इन्हें एक एक करके ही शुगर सिरप में ऐड करें, और बहुत धीरे से आपको इन्हें ऐड करना है। फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम हीट पे ही रखा है। आप देख सकते हैं शुगर भी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसे ढककर आपको लगभग 10 मिनट तक पका लेना है। 10 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कितनी फूल फूल गई हैं, और इन्हें आपको एक एक करके पलट लेना है। फूल गई हैं इसका मतलब है कि ये परफेक्टली तैयार हैं। बस इन्हें आप दूसरे साइड में भी 2 से 3 मिनट तक आपको इसे ढककर पकाना है। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और ऐड कर लिया था ताकि मेरी शक्कर की चाशनी मोटी ना हो जाए। तो 2 से 3 मिनट होने के बाद दे आर फाइनली रेडी, और अब आपको इन्हें एक अलग फ्रेश कंटेनर में या फ्रेश थाली में अलग कर लेना है। तो आपको इसे एक चम्मच से इस तरह से हल्के हाथों से ही प्रेस करके इसका थोड़ा सा पानी निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है वरना वो टूट सकती है। तो बस इस तरह से आप इन्हें प्रेस करके एक अलग साफ कंटेनर में इन्हें निकाल लें। इसी तरीके से मैंने बाकी की सारी भी इस कंटेनर में अलग कर ली हैं। अब आपको इनके ऊपर जो हमने मलाई बनाई थी वो ऐड करनी है। मलाई थोड़ी सी वॉर्म है, आपको भी वॉर्म ही रखनी है। वॉर्म होने की वजह से वो जल्दी इसके अंदर सोक हो जाती है। और ये पूरी की पूरी मलाई में डूब जाए उतनी आपको इस पे मलाई डालनी है। इस पे मैंने कटा हुआ पिस्ता ऐड कर लिया है, आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं।
बारीक काट लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स को, और इसे रूम टेम्परेचर पर आने तक के लिए मैंने ठंडा होने रखा। उसके बाद मैंने इसे 5 घंटे तक के लिए फ्रिज में रखा था। तो ये अब बिल्कुल तैयार है, इसे आप खा सकते हैं। इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि हम देख सके कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। नट्स डालने की वजह से ये और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो आप देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है, इजीली हमारे स्पून में टूट कर आ गई। तो आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर हमें फॉलो करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।